नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किचन शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नई रेसिपी लेके आई हूँ, चने की चाट। और मैंने चने मैंने उबाल रखे हैं, काले चने हैं, इस तरीके के काले चने चाहिए हमें। और मैंने इसको 3 घंटा भिगोया था, उसके बाद उबाल के आपको दिखा रही हूँ। चाट बनाने के लिए मुझे हरी मिर्च की ज़रूरत है, टमाटर और प्याज। तो हम गैस ऑन करते हैं दोस्तों। मैंने इसमें कढ़ाई चढ़ा दी है। चाट बनाने के लिए पहले हमने कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे, बस ज़्यादा नहीं। जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम मसाला बना लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया ले रखा है, 1/2 चम्मच जीरा मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच से कम लाल मिर्च, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला ले रखा है। तो मसाले बना दिए हैं। ये है नींबू का रस, गार्लिक का पानी और इमली का पानी, ये मैंने बना रखा है खट्टा मीठा। जब तक खट्टा मीठा ना हो, चने में स्वाद नहीं आता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा इसको मिक्स करके इसमें पानी मिला लेते हैं। अगर हम उसमें डालेंगे तो मसाला जल जाता है, चाट में मज़ा नहीं आता है। तो हम पहले इसका मसाला हम बना लेते हैं। अब गरम हो गया है कढ़ाई, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और उसको थोड़ा सा मिलाएंगे। और जो हमने मसाले बना रखे हैं, अब हम इसके उसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसको हम मिक्स करके धो के डाल देंगे इसमें। अब हम पकाएंगे इसको। तो दोस्तों, मसाला पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने काले चने ले रखे हैं, हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा काले चने को भी अच्छी तरह पकाएंगे हम मसाले में। तो मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक का पानी डालेंगे, 2 चम्मच। इससे चने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, हमारे चने सूख चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे और गैस बंद करते हैं। हम इसको बर्तन में निकाल देते हैं, ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारे चने ठंडे हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे फैला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 1/2 अभी डालती हूँ मैं और 1/2 प्याज डाल देती हूँ और थोड़ी लाल हरी मिर्च और नींबू का रस 2 चम्मच और इमली का पानी बनाया था मैंने, 2 चम्मच इसको ऐड कर देती हूँ। तो और चटपटा करने के लिए हम इसमें फिर नमक मिर्च मिलाएंगे, वो भी हाथों से, थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्का सा नमक। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। प्याज और टमाटर जब कोई चीज़ में मिल जाता है तो लाजवाब रेसिपी बन जाती है हमारी। तो दोस्तों, आप हरा धनिया भी डाल सकते हो इसमें। तो दोस्तों, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं इस कटोरे में। ऐसे कटोरे अच्छे होते हैं चाट के लिए। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आ गया, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। और कैमरामैन भी देखा है, उसके लिए लगा रही हूँ मैं प्लेट और आपके लिए भी। तो ये लीजिए, फुल भर दिए मैंने। अब हम इसके ऊपर से प्याज डालेंगे थोड़ा सा, इससे और अच्छा सा कलर दिखता है थोड़ा। ये देखिए, और इसमें हरी मिर्च ऊपर से आएगी। और अब आएगा इसमें नींबू का रस, चटपटा खट्टा। तो दोस्तों, मुंह पे पानी आ रहा होगा। इमली का रस और फिर थोड़ा सा नमक।
और लाल मिर्च, चटपटा सा। तो दोस्तों रेसिपी तैयार हो चुकी है मेरी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। बाय।